नर्चरता नेचर, ये कैसा कोर्स है भाई? ये तो मदर नेचर का काम है हमें पालना पोसना, हम भला कैसे मदर नेचर को नर्चर कर सकते हैं? इंटरेस्टिंग सवाल है भाई। चलो तुम्हारे इस सवाल का जवाब देने के लिए लेकर चलते हैं तुमको एक प्यारे से गार्डन में। हाय, कैसे हो तुम सब? हॉलीडे एंजॉय कर रहे हो ना? देखो मैं भी अपने प्लांट्स के साथ कितना एंजॉय कर रही हूँ। देखो ये है मेरा घर और घर के आगे प्यारा सा छोटा सा गार्डन, और पता है दो रैबिट्स भी हैं मेरे पास, और इस गार्डन में ये प्यारे प्यारे छोटे छोटे दोस्त भी हैं मेरे, जिनके साथ टाइम स्पेंड करने में मुझे बड़ा मजा आता है। मैं और कद्दू ना अपने गार्डन में हर वीकेंड पे बहुत सारा टाइम स्पेंड करते हैं। कद्दू मेरा भाई। एप्पल भाई, उस मोटू को पता चलेगा ना ये चुटकी उसको कद्दू बोलती है तो क्या हाल बनाएगा उसका, मार मार के धो डालेगा। अरे भाई, जब हमें छोड़ के जंक फूड खाएगा तो फूल के कद्दू ही तो बन जाएगा वो मोटू। तुमने पुकारा और हम चले आए, शैतान का नाम लो और शैतान हाजिर। बापरे, मेरी वो जो फ्रेंड है ना कैंडी, जंक फूड खाते खाते खुद भी बर्गर जैसी कोलू मोलू बन गई है। जो बच्चे ग्रीन वेजिटेबल्स खाते हैं ना, उनका माइंड और बॉडी बहुत ही हेल्दी और स्ट्रॉन्ग बन जाता है। तो भाई अब हमें हेल्दी खाना है तो उगाना भी तो पड़ेगा ना। तो हो गया ना नर्चर द नेचर, अपने लिए हेल्दी फूड उगाना। हम जितने ज्यादा प्लांट्स लगाते हैं उतनी ज्यादा ऑक्सीजन हमें मिलती है, हमारा एनवायरनमेंट क्लीन होता है और पॉल्यूशन खत्म हो जाता है। और जब हम मदर नेचर से प्यार करते हैं ना, तो मदर नेचर हमें और ज्यादा प्यार करती है और हमें और ज्यादा हेल्दी और स्ट्रॉन्ग बनाती है। जब मैं क्लास 1 में थी ना, तो वो जो मेरा मोटा कद्दू है ना, उसने मुझे सीड से प्लांट ग्रो करना सिखाया। और जब वो प्लांट निकला ना, कोलू ने मुझे दिखाया और बोलता है, देख चुटकी, हमने इसको सीड से उगाया। मैं उसको क्या बोली पता है? बाप रे कद्दू, इतना बड़ा प्लांट इस सीड के अंदर कैसे आया? उस टाइम गार्डन में जितने भी इंसेक्ट्स थे ना, सब मेरी तरफ मुड़कर जोर जोर से हंसने लगे। पर अब तो मुझे पता है कि हम घर पर ही सीड से अपने लिए कितने हेल्दी वेजिटेबल्स और फ्रूट्स खुद ही ग्रो कर सकते हैं। इतना मजा आता है जब फ्रेश ग्रीन वेजिटेबल्स हमारे गार्डन से सीधे हमारी टेबल पर आ जाती हैं। अब तो हम इतने सारे प्लांट्स ग्रो करते हैं कि अपने सारे फ्रेंड्स की बर्थडे पर भी हम उनको प्लांट्स गिफ्ट करते हैं। और जो मेरा कद्दू है ना, उसने भी अब जंक फूड खाना बिल्कुल छोड़ दिया है। अब उसकी टमी भी खुश, मम्मी भी खुश। तो बोलो बोलो, तुम सब नहीं चाहते क्या अपने लिए फ्रेश फ्रेश ग्रीन वेजिटेबल्स ग्रो करना, हेल्दी फूड खाना, हेल्दी बनना? तो मेरे प्यारे बच्चों, ये है नर्चर द नेचर। गार्डनिंग के साथ ही अपने नेचुरल रिसोर्सेस को बचाना और पॉल्यूशन को खत्म करना। तो इस कोर्स में हम गार्डनिंग के साथ ही सीखेंगे हेल्दी फूड हैबिट्स, हेल्दी लाइफस्टाइल और अपने एनवायरनमेंट को केमिकल पॉल्यूशन से फ्री करना। तो प्रॉमिस कर रहे हो ना, आज की इस क्लास के बाद आप लोग घर जाकर अगले दिन से ही गार्डनिंग और एनवायरनमेंट का प्रोटेक्शन शुरू कर दोगे? अरे बस यही नहीं है भाई, आज की इस क्लास में आपको एक मजेदार स्टोरी भी सुनने को मिलेगी और एक मजेदार गेम भी खेलोगे, और हेल्दी खाना तो देखना आप लोग आज से ही शुरू कर दोगे। आज सब लोग घर जाके मम्मा से हेल्दी ग्रीन वेजिटेबल्स मांगना डिनर में। तो शुरू करें आज की मस्ती की पाठशाला दीपाली दीदी के साथ। तो चलो सब लोग एक बार अपने लिए जोरदार तालियां बजा दो।